हेलो एवरीवन, इससे पहले वीडियो में हमने ये समझा किसी भी 3x3 की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को कैसे निकाला जाता है। स्टूडेंट, ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है वो डायगोनलाइजेशन का ही क्वेश्चन आता है। इस वीडियो में हम किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करेंगे, उसको डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसकी पहले हमें मॉडल मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। मॉडल मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स को बनाने के लिए पहले हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर चाहिए, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, और आइगन वेक्टर को जब एक मैट्रिक्स में डिफाइन कर दिया जाता है तो उसे मॉडल मैट्रिक्स कहा जाता है। अब उस मॉडल मैट्रिक्स तक तो हमने पिछले वाली वीडियो में किया है, मैं उसी एग्जांपल को उठाऊंगा और उसी एग्जांपल को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर पूरा क्वेश्चन एक वीडियो में करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसीलिए हमने आधा काम पहली वीडियो में कर दिया है, उसी क्वेश्चन को मैं यहां पर रिपीट करूंगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखूंगा, उसकी आइगन वैल्यूज को लिखूंगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएंगे उनको लिखूंगा और एक मॉडल मैट्रिक्स डिफाइन कर लूंगा। उसके बाद का वर्किंग रूल क्या है उसको एक बार समझते हैं और फिर उस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक वर्किंग रूल पढ़ते हैं, ये है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो n क्रॉस n की है और मैं उसे डायगोनलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो डायगोनलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए m इनवर्स am इक्वल टू b की फॉर्म में डायगोनलाइजेशन होता है। वेयर m क्या है, m इज द मॉडल मैट्रिक्स, और मॉडल मैट्रिक्स कहां से आएगी, पिछली वीडियो में समझा है हमने कि आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आते हैं उन आइगन वेक्टर को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रख दिया जाता है जिसे मॉडल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहां पर m एक मॉडल मैट्रिक्स है और m इनवर्स उस मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाता है। वेयर d इज डायगोनल फॉर्म, यही डायगोनल फॉर्म है। डायगोनल फॉर्म का मतलब क्या है स्टूडेंट, यानी जो भी आइगन वैल्यूज आप निकालने वाले हैं जब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, m इनवर्स जो मॉडल मैट्रिक्स है उसका a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लीकेशन m के साथ करेंगे, तो मैट्रिक्स d की फॉर्म में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाती है। और d का मतलब क्या है, डायगोनलाइजेशन। मतलब डायगोनलाइजेशन का मतलब क्या है कि डायगोनल में वो आइगन वैल्यू आएंगे जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने आइगन वेक्टर लिखे थे, डायगोनल में वो वैल्यू आती है और बाकी के सारे एलिमेंट उसके अदर देन डायगोनल से, मेन डायगोनल से ऊपर भी और मेन डायगोनल से नीचे भी सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, जिसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और यहां पर कुछ वैल्यूज आएंगी, वो वैल्यू होती है जो हम आइगन वैल्यू निकालते हैं, और आइगन वैल्यू उसी क्रम में होती है, उसी सीरीज में होती है जिस सीरीज में उनके आइगन वेक्टर हमने मॉडल मैट्रिक्स के अंदर यहां रखे थे। यानी जब हम मॉडल मैट्रिक्स बनाते हैं तो यहां पर लैम्डा वन के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होंगे, यहां पर लैम्डा टू के कॉरेस्पॉन्डिंग और यहां लैम्डा एन के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो स्टूडेंट एक बार पहले वर्किंग रूल को समझते हैं और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ए, लैम्डा कोई स्केलर है, आई आइडेंटिटी है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद आप लैम्डा की वैल्यू को निकाल लेंगे। 3x3 की मैट्रिक्स अगर हम लेकर के चल रहे हैं तो 3 आइगन वैल्यू आएंगी, और n क्रॉस n की मैट्रिक्स को लेकर के चल रहे हैं तो n आइगन वैल्यू जाने वाली है। यानी मैंने लैम्डा की n वैल्यू निकाल दी हैं और वो वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है कि लैम्डा 1 आएगा, लैम्डा 2 आएगा और लैम्डा n आएगा। तो जो भी वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस इक्वेशन से आने वाली है वो वैल्यू हम निकाल देंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड दी आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा, यानी जितनी आइगन वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी उन सभी वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करना है। यानी आइगन वैल्यू के रेस्पेक्ट में आपने आइगन वेक्टर निकाल दिए हैं। अब आइगन वेक्टर से एक मॉडल मैट्रिक्स डिफाइन की जाएगी, यानी स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, डिफाइन ए मॉडल मैट्रिक्स एम, यानी हर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपने आइगन वेक्टर निकाले उन वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रखा जाएगा, उस मैट्रिक्स को मॉडल मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 4 थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, आइगन वैल्यू निकालना, आइगन वेक्टर निकालना, फिर मैट्रिक्स मॉडल बनाना, उसके बाद मॉडल मैट्रिक्स बनाने के बाद मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, 3-3 मल्टीप्लीकेशन करना, लॉन्ग प्रोसेस है स्टूडेंट, लेकिन 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको करना ही है। उसके बाद
हमने एक मॉडल मैट्रिक्स को डिफाइन किया और मॉडल मैट्रिक्स को डिफाइन करने के बाद उस मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट किया। यानी सबसे पहले हमें मॉडल मैट्रिक्स डिफाइन करनी है और डिफाइन करने के बाद उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। स्टेप नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इनवर्स ए एम, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का इनवर्स करना है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये एम ए एम इनवर्स नहीं करना है, आपको एम इनवर्स ए इंटू एम करना है। तो पहले हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसमें इस एम का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दूसरे नंबर पे हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मैट्रिक्स अपने आप ही डी मतलब डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो किस तरीके से कन्वर्ट होकर आती है कि डायगोनल में वो सब आइगन वैल्यू आ जाती है जो आपने कैलकुलेट की थी, यानी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n, n क्रॉस n की मैट्रिक्स में n आइगन वैल्यू जाएंगी तो वो डायगोनल में आ जाती है। डायगोनल से ऊपर के भी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, डायगोनल से नीचे के भी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, वो सारी आइगन वैल्यू उसके डायगोनल में जो मेन डायगोनल होता है मैट्रिक्स का उसमें आ जाती है। तो इसका मतलब जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये अपने आप ही इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया है कि ये पूरा प्रोसेस एक बार पढ़ लिया, क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरी मैट्रिक्स उठाऊंगा तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको पहली वीडियो में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम पहली वाली वीडियो में हमने एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स ली जिसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, आइगन वैल्यू निकाली, उसके बाद उन आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाले, आइगन वेक्टर निकालने के बाद एक मॉडल मैट्रिक्स को डिफाइन किया। यहां तक हम उस क्वेश्चन में आ चुके थे, अब मैं उस क्वेश्चन को ही उससे आगे बढ़ाऊंगा। तो यानी जो हमने उसमें किया उसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में ले लेता हूं, कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, कैसे आइगन वैल्यू निकालेंगे, आइगन वैल्यू निकालने के बाद आइगन वेक्टर आएगा और मॉडल मैट्रिक्स डिफाइन करूंगा, यहां तक हम कर चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं और फिर एम इनवर्स से शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि लेट ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स 3x3 ए। अब अगर इस मैट्रिक्स के लिए हम देखें तो जो ये मैट्रिक्स है उसमें ए 3x3 की मैट्रिक्स होती है, लैम्डा कोई स्केलर होता है, आई कोई आइडेंटिटी होती है, जिससे आपका ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। यानी आपकी जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके से एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाती है, यानी 6 माइनस लैम्डा माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस लैम्डा, यानी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। तो स्टूडेंट जब आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी तो तब वो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन के आती है, देन लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा प्लस 36 लैम्डा माइनस 32 इक्वल टू जीरो। यानी आपकी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में बन के आ गई है, इसी को आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन ऑलरेडी आपकी पहले वाले क्वेश्चन में यानी पहली वीडियो में हम बना चुके हैं, कैसे ये बन के आई है आप उसमें देखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि लैम्डा इक्वल टू जो यहाँ से तीन वैल्यू आती है वो वैल्यू आपकी 2 आती है, फिर 2 आती है और तीसरी वैल्यू हमारी 8 आ जाती है, यानी तीन वैल्यू यहाँ पर आती है हमारी 2 2 और 8। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 2 वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर निकालते हैं, उस आइगन वेक्टर को आप x कहते हैं, दूसरा एक आइगन वेक्टर निकालते हैं उसे आप y कहते हैं, तीसरा एक आइगन वेक्टर निकालते हैं उसे हम z कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट चूंकि उस क्वेश्चन में हमारी 2 वैल्यू इक्वल थी तो मैंने इन दोनों को x और इसको y कहा था, तो यानी आपकी जो आइगन वेक्टर थे वो कुछ इस तरीके से बन करके आ गए थे। वो आइगन वेक्टर क्या आए थे स्टूडेंट, वो कुछ इस तरीके से आए कि 1 1 माइनस 1 1 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 1। यानी हमने क्या किया, एक मॉडल मैट्रिक्स को डिफाइन कर लिया है। मॉडल मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये जो मॉडल मैट्रिक्स है ये जो पहले वाला कॉलम है ये कॉलम ये 2 वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आया है, ये जो दूसरा कॉलम यहाँ पे है वो 2 वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आया है, और जो तीसरा कॉलम ये यहाँ पे आया वो 8 वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आया। इसका मतलब हर वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक एक कॉलम हमारा बनता चला गया है, जिसे हम मॉडल मैट्रिक्स एम कहते हैं। यानी हमारी एम ये बन के आ गई है, तो जो हमारा एम आया अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमें एम का इनवर्स निकालना पड़ेगा। पर एक मॉडल मैट्रिक्स को डिफाइन कर लिया है और जो मॉडल मैट्रिक्स है वो जो पहला कॉलम है वो 2 जो हमारी पहली आइगन वैल्यू थी उससे आया है, जो दूसरा हमारा कॉलम है वो दूसरी जो 2 आइगन वैल्यू थी उससे आया है, और जो तीसरा कॉलम है वो तीसरे वाली जो आइगन वैल्यू लैम्डा थी वो उससे आया है। तो इसके बाद स्टूडेंट हमें करना क्या है स्टेप में, कि जब आपकी मैट्रिक्स आ जाए मॉडल मैट्रिक्स
तो उस मॉडल मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना होता है। तो अब हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है स्टूडेंट। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि इनवर्स की डेफिनेशन को समझना होगा। हमने इनवर्स की डेफिनेशन में पढ़ा है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम करना पड़ेगा और एडजॉइंट ऑफ एम करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले मुझे एडजॉइंट और एम का मॉडुलस चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट चाहिए। तो स्टूडेंट अब हम पहले m का मोड निकाल देते हैं, यानी डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। अगर हमें m का डिटरमिनेंट निकालना है तो पहले 1 के लिए करेंगे, तो 1 इंटू, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये माइनस 2 यानी 2 हो जाएगा। फिर 1 के लिए करेंगे, इस माइनस 1 के लिए यानी इसके लिए करेंगे तो माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा, तो 0 हो गया ये। और फिर माइनस 2 के लिए जब हम करेंगे तो ये माइनस 2 हो गया और ये 0 हो जाएगा। यानी जो यहां से 2 आ रहा है और यहां से प्लस के 4 आ रहा है, यानी दैट इज इक्वल टू 6। तो यानी हमारे पास जो इसका मोड है, जो डिटरमिनेंट है, वो 6 आ गया है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारे YouTube पर एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें हमने शॉर्टकट ऑफ इनवर्स सिखाया है, आप उसका यूज कीजिए, क्योंकि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इनवर्स चाहिए हमें। तो उसके लिए मैं शॉर्टकट का यहां भी यूज कर रहा हूं और आप भी शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट लगाने के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूं, 1 1 माइनस 2 1 0 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 1। अब स्टूडेंट हमें करना क्या होता है, ये हमारे पास पहले दो कॉलम होते हैं, इन दो कॉलम को रिपीट कर दीजिए, 1 1 माइनस 1 1 0 माइनस 2। ये रो होती हैं R1 और R2, इन दोनों रो को भी रिपीट करिए। तो जब रो को रिपीट करूंगा तो 1 1 माइनस 2 1 1 1 0 1 1 0 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपको करना क्या है कि जब हम इनवर्स निकालते हैं तो पहले कॉलम और पहली रो को अंडरलाइन कर देते हैं, तब हम जब m का इनवर्स लिख रहे होंगे तो 1 अपॉन 6 यानी 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू, जब हम मैट्रिक्स को लिखेंगे तो आपको कॉलम वाइज चलना है, रो वाइज लिखना है। तो वहां पर वीडियो में आप देखिएगा, वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हम रो वाइज चलेंगे, कॉलम वाइज चलेंगे और रो वाइज लिखते जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 हो गया, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 2, एक माइनस फॉर्मूले में है तो 2 आएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 टू जा 4 हो गया, और जब 2 टू जा 4 हो गया तो ये 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ये 5 आ रहा है। और इसका मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करेंगे तो 1 होगा, माइनस जब इसका इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस 1 माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो प्लस 1 यानी 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस 1, इसका इसके साथ होगा तो प्लस यानी माइनस 2 यानी माइनस 3 हो गया है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस 2 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 1 यानी माइनस 3 आ गया है। अब इसका इसके साथ माइनस 2 हो जाएगा, ये 0 हुआ तो ये माइनस 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा माइनस 1 और ये माइनस 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 2 यानी 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ 0 यानी माइनस 1 यानी इनवर्स आ गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर लेना है। जब हमारे पास मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाए तब हमें इस डेफिनेशन का स्टूडेंट यूज करना होगा। यानी अब आपको क्या करना है कि नाउ एम इनवर्स ए एम, यानी एम इनवर्स हमारे पास है, एम इनवर्स इज 1/6 2 5 1, 0 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 1। ए इज, ये हमारे पास ऑलरेडी है, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3। और एम हमारे पास मॉडल मैट्रिक्स हमने बना रखी है ऑलरेडी, हमारे पास है 1 1 माइनस 2 1 0 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड 1। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब भी आप ये कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले m इनवर्स a का मल्टीप्लाई करना है, यानी दोनों का मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, उसको बाहर ही रखिए, तो 1 अपॉन 6 बाहर ही रह जाएगा। और जब ये मैट्रिक्स आपकी तीनों का मल्टीप्लाई करके आएगी, पहले इन दो का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, उसके बाद जो आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन फिर से इसके साथ कर दीजिए। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन आप करके लेके आएंगे तो स्टूडेंट यहां पर जो आएगी वैल्यू इस पूरे को कैलकुलेट करके, तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आएंगी कि यहाँ पे 12 होगा 0 0, यहाँ 0
12 0 0 0 48, यानी इक्वल्स टू में जब आप इसको बना के लाएंगे तो यहाँ 2 होगा 0 0 0 2 0 0 0 और 8, यानी इसी को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, जो ये मैट्रिक्स आती है इसी को हम डी कहते हैं। डी मतलब डायगोनलाइजेशन, यानी हमने अपनी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज फॉर्म में कर दिया है, डायगोनल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये पहली आइगन वैल्यू है लैम्डा 1, ये दूसरी आइगन वैल्यू है लैम्डा 2, ये तीसरी आइगन वैल्यू है लैम्डा 3, यानी यहां पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 वो आइगन वैल्यूज आ जाती है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये पहली रो के, ये पहली वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर थे, ये दूसरी वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग थे, यानी ये 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग थे, ये 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग थे और ये 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये नंबर किसी सिक्वेंस में यहां पर इस तरीके से आ जाते हैं। तो स्टूडेंट हमने अपनी मैट्रिक्स को सबसे पहले अपनी मैट्रिक्स की एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद हमने उस इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू निकाली, मतलब आइगन वैल्यू निकाली, उन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर निकाले, आइगन वेक्टर से एक मॉडल मैट्रिक्स डिफाइन की, मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया, इनवर्स फाइंड करने के बाद हमने एम इनवर्स ए एम कैलकुलेट किया, जो डी की फॉर्म में आता है, मतलब डायगोनल की फॉर्म में आता है, इसी को डायगोनलाइजेशन कहा जाता है। स्टूडेंट अगर आपको इस वीडियो को अच्छे से समझना है, लेक्चर को अच्छे से समझना है, तो इसके लिए आपको इससे पहली वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा। लेकिन अब मैं जो आपसे अगली वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें हम डायगोनलाइजेशन और कैले हैमिल्टन थ्योरम दोनों का यूज करके ये बताएंगे कि पावर मैट्रिक्स कैसे आती है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की पावर मैट्रिक्स, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है और आपको ए टू दी पावर 6 चाहिए, तो 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन बहुत मुश्किल काम है। आपको ए टू दी पावर 8 चाहिए, यानी मल्टीप्लिकेशन 8 टाइम मल्टीप्लिकेशन बहुत मुश्किल काम है। अगर आपको ए टू दी पावर एन तक की कोई भी मैट्रिक्स चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है पावर मैट्रिक्स बनाने के, एक है कैले हैमिल्टन थ्योरम और दूसरा है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का यूज करके डायगोनलाइज करके उसको एक ही पावर एन के रूप में लिखा जा सकता है। यानी दो कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किसी मैट्रिक्स को ए टू दी पावर एन यानी पावर मैट्रिक्स के रूप में कैसे लिखा जाता है। दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू वेरी मच।